नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। कुमाऊं में 18 दिसंबर को शुरू हुई भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का आज खटीमा में समापन हो गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को विजयी बनाकर पुष्कर सिंह धामी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहे। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी पाए, बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष से पहले मंत्री थे और मंत्री स्वागत है, नितिन गडकरी जी का स्वागत है। बहुत अच्छी रैली है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय हो रही है। आज जो सैलाब आया था, यही सैलाब 15 दिन से मैं उत्तराखंड में देख रहा हूँ, जगह जगह आ रहा है। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर पूर्व में हुए समझौते के अनुसार 11 सूत्रीय मांगों का शासन आदेश विधानसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले जारी करने का ज्ञापन दिया। शासन आदेश जारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सबका इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा साथियों। भूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ का देहरादून के अंदर सचिवालय घेराव चल रहा है और आप लोग देख रहे हैं पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं और पूरे पहाड़ों से, पूरे गांवों से, पूरे गढ़वाल से यहां सारे सफाई कर्मचारी यहाँ पहुँचे। जो भूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ 3 साल से लगातार अपना आंदोलन कर रहा है, सरकार हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए पूरा बाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी समाज, जो सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है, अगले चुनाव में जो है इसका विरोध करेंगे और हो सकता है कि जब तक आचार संहिता न लगे हम कोई अभी किसी प्रकार का काम बंद हड़ताल करने का भी आंदोलन कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली ने काशीपुर में पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वह 6 जनवरी को नव परिवर्तन पदयात्रा शुरू करेंगे। काशीपुर के सभी क्षेत्रों से विकास नहीं होने के आंकड़े एकत्र करेंगे। पदयात्रा 14 दिन तक रहेगी। काशीपुर नव परिवर्तन पदयात्रा हम 6 तारीख को सुबह 10 बजे पैगे के सरकारी स्कूल से शुरू करेंगे, जो बहुत बदहाल स्थिति में है, और इसके पीछे ये 14 दिन तक की पदयात्रा है, जिसमें जहाँ पर बिरादरी होगी वहीं पर विश्राम होगा और सुबह वहीं से फिर ये शुरू की जाएगी। इसके पीछे का जो कारण है, जो काशीपुर को जिस बदहाल स्थिति में ये भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर पहुंचा दिया है, दोनों की 10-10 साल लगभग सरकारें रही हैं और आज जो काशीपुर के ऊपर जो धब्बा लगाया है पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, इसको कस्बा कहकर उस धब्बे को मिटाया जाएगा। भविष्य में जनता अगर आशीर्वाद देकर आम आदमी पार्टी का विधायक यहाँ से चुनती है तो उस समय प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं से जनता को जल्द से जल्द निदान छुटकारा दिलाया जा सके। तो जो भी रास्ते में या उन मोहल्लों में या गांव में जनता को समस्याएं हैं, चाहे वो सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर, चिकित्सालय को लेकर, सड़कों को लेकर, बिजली की व्यवस्थाओं को लेकर, वो सब नोट डाउन करी जाएंगी और उनका एक पूरा डाटा तैयार किया जाएगा, जिससे कि 2022 के चुनाव के बाद उनको प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं से निजात दिलाई जा सके। जसपुर में नसरीन चौधरी की कोजी ब्यूटी वर्ल्ड सोसाइटी की ओर से आयोजित टैलेंट हंट प्रतियोगिता में बेस्ट ड्रेस डिजाइन करके क्रिएटिव आर्ट कैटेगरी में प्रथम आकर रजनी रावत के नेतृत्व में वैष्णवी ब्यूटी पार्लर की टीम ने काशीपुर का मान बढ़ाया। टीम में शांति वर्मा, अर्चना रावत, प्रिया तनेजा, निधि चंद, नेहल वर्मा, आयुषी वर्मा, काजल, अपर्णा, वर्षा शामिल रही। मॉडल या इस तरीके
लास्ट टाइम हिस्ट्री में की ड्रेसेस बनाई थी और इस बार हमने पॉलीथीन से बनाई है, तो मेरा इसके पीछे ये है कि मैं एक मॉडल को लेके भी अच्छा कर सकती हूँ, पर मैं एक तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ, साथ ही बहुत कम बजट में हम ऐसा करना चाहते हैं। अगर एक पर्सन भी इस चीज़ को समझता है कि हम पैसों के लिए होके नहीं रुके, तो ये मेरे लिए पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष इंदु बान ने काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं से संपर्क करने के बाद कहा कि महंगाई से सर्वाधिक महिलाएं परेशान हैं। राज्य की भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री बदलने के अलावा कुछ नहीं किया। इंदु बान के साथ योगिता अरोरा, अंशिका प्रभाकर, अनीता नूपुर, नीलम मंजू शर्मा, प्रीति आदि शामिल रहे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मुक्ता सिंह ने काशीपुर के गिरिताल बसंत विहार में अनीता तिवारी व नेहा पंत द्वारा आयोजित बैठक में कहा कि क्षेत्र का विकास कांग्रेस ही कर सकती है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। इस मौके पर मनोज जोशी, चंद्रभूषण, विक्रांत वर्मा, राकेश यादव टोपी वाले, प्रशांत कुमार, पुष्पा देवी, हेमलता बिष्ट, सपना जोशी, नमिता तिवारी आदि मौजूद रहे। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के संभावित दावेदार आशीष अरोरा बॉबी ने मोहल्ला काजीबाग में नुक्कड़ सभा में कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतकर हरीश रावत के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। इस मौके पर जय सिंह गौतम, साबिर हुसैन, विमल गुड़िया, गुरनाम सिंह, रेनू बिष्ट, नौशाद उस्मानी, भारत भूषण आदि मौजूद रहे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज में उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ जिला कार्यकारिणी की बैठक प्रांतीय कोषाध्यक्ष एलडी पतोला की अध्यक्षता में हुई। संघ के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र मिश्रा ने सरकार से मांग की कि सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी मोबाइल टैबलेट दिए जाएं, चयन प्रोन्नत में तदर्थ सेवा का लाभ मिले, शिक्षकों की NPS धनराशि खाते में ट्रांसफर की जाए। इस मौके पर अजय शंकर कौशिक, मनोज शर्मा, रणधीर सिंह, कौशलेश गुप्ता, रविंद्र चौहान आदि मौजूद रहे। आज जिला कार्यकारिणी की बैठक अजय शंकर कौशिक जिला मंत्री के विद्यालय गोविंद पंत में लीलाधर पंतोला जी के अध्यक्षता में, जो कि हमारे प्रांतीय कोषाध्यक्ष हैं, बैठक हुई है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उनमें टैबलेट वितरण जो किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, उससे हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब और जो निचले तबके के बच्चे हैं वो उससे वंचित रह गए हैं, मेधावी छात्र जो हैं। और वास्तविकता यह है कि आजकल ऑनलाइन शिक्षा ज़्यादा चल रही है, इसलिए हमारे विद्यालय के बच्चों को भी टैबलेट वितरण किया जाए। काशीपुर में मानपुर रोड स्थित प्रकाश रेजिडेंसी में उत्तरांचल पंजाबी महासभा के पदाधिकारियों ने महासभा के जिला महामंत्री चेतन अरोड़ा को कांग्रेस का प्रदेश सचिव बनाए जाने पर स्वागत किया। महासभा के जिला अध्यक्ष प्रवीण सेठी के साथ सभी पदाधिकारियों ने कांग्रेस हाईकमान से मांग की कि चेतन अरोड़ा को विधानसभा चुनाव में काशीपुर से उम्मीदवार बनाया जाए। स्वागत करने वालों में जसपाल सिंह चड्डा, दिलप्रीत सिंह सेठी, प्रभात सानी, जतन अरोड़ा, मनीष छपरा, अमन बाली, गुरविंदर सिंह चंडोक, जगमोहन सिंह बंटी, सतीश गुलाटी, प्रकाश जाबर, महेंद्र कुमार धवन, मुन्ना भाई, रोहित चावला आदि शामिल। पंजाबी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हमारे जो पंजाबी जिला अध्यक्ष जिला महामंत्री चेतन अरोड़ा जी जो हैं कांग्रेस के प्रदेश सचिव बने, इसकी खुशी में आज इनका स्वागत किया जा रहा है और सारी पंजाबी बिरादरी की शुभकामनाएं देती है। चेतन अरोड़ा जिंदाबाद, चेतन अरोड़ा जिंदाबाद। और कांग्रेस पार्टी से हम मांग करते हैं कि विधानसभा क्षेत्र का काशीपुर का जो अगला चुनाव आने वाला है उसका जो प्रत्याशी बनाया जाए चेतन अरोड़ा को बनाया जाए, पंजाबियों की ये मांग है। जसपुर लकड़ी मंडी में व्यापारियों ने हड़ताल रखी। लकड़ी मंडी अध्यक्ष शाहनवाज ने कहा कि मंडी शुल्क में 18% GST वापस लिया जाना चाहिए। उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा को ज्ञापन सौंपा। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ये टैक्स लगाने का कोई अधिकार व्यापारी एक तो व्यापारी एक तो हम उप जिलाधिकारी मैडम के यहाँ ज्ञापन देकर आए हैं। मामला ये है कि लकड़ी जो एक वन संपदा है उस पर मंडी शुल्क लगाया है सरकार ने,
जो कि इंडिया में 29 राज्य हैं, उसमें से केवल 2 राज्यों में मंडी शुल्क लगाया है। ये 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ लकड़ी का ही व्यापार होता है, व्यापार तो हिमाचल में भी होता है, व्यापार उड़ीसा में भी होता है, व्यापार MP मध्य प्रदेश में भी बहुत काफ़ी मात्रा में होता है, वहाँ कोई मंडी टैक्स नहीं है, केवल इन 2 राज्यों में मंडी टैक्स लगाया है। व्यापारी थे, उनके द्वारा मुझे ज्ञापन दिया गया था, उनका ये कहना था कि सरकार द्वारा जो मंडी शुल्क बढ़ाया गया है उससे उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है और 18% का GST का शुल्क लगाया गया है, तो इसी के उपलक्ष्य में उनके द्वारा मुझे ज्ञापन दिया गया था और यहाँ पर थोड़ा धरना प्रदर्शन भी था। तो मेरे द्वारा उनको सलाह दी गई है कि एक बार आपने जो बात है प्रत्यक्ष रूप से आप सरकार के सामने भी रखिएगा और साथ में मैंने उनका ज्ञापन भी ले लिया है और जो कि तत्काल ही प्रेषित कर दिया। जसपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट को लेकर विरोध शुरू हो गया है। सुल्तान भारती अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया। आज धरना क्षेत्र की जनता की जनहित की लड़ाई लड़ने के लिए धरना दिया गया है, क्योंकि ये क्षेत्र अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने 20 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने दिया था अब्दुल हफीज अंसारी जी को, मात्र 650 वोट के अंतर से वो चुनाव हारे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज तक यहाँ के अल्पसंख्यकों की, मुस्लिमों की उस मामूली सी भूल को माफ नहीं कर पाई, दोबारा टिकट नहीं दिया। सुल्तानपुर पट्टी में आदर्श नगर निवासी खलील अहमद अपने बेटे जुनैद के साथ काशीपुर से पिकअप में दूध लेकर बाजपुर जा रहे थे। जगन्नाथपुर के समीप डंपर ने टक्कर मार दी जिससे खलील अहमद की मौत हो गई। संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। एक एक्सीडेंट हुआ है जगन्नाथपुर सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में और इसमें 3 वाहन, जिसमें आगे एक बस थी, उसके पीछे एक ये पिकअप था जो दूध का पिकअप था और उसके पीछे एक डंपर चल रहा था और बस ने अचानक ब्रेक लगाया और उसके बाद तीनों ही वाहन, क्योंकि बहुत कम दूरी बनाकर एक दूसरे से चल रहे थे, तो तीनों ही वाहन आपस में टकरा गए और इसमें पिकअप में बैठे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। हल्द्वानी में युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारी में बनाई गई सड़क 2 दिन में ही उखड़ जाने का विरोध किया है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह प्रिंस ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आज जो हमने प्रदर्शन किया है, देखिए आप देखिए कुछ दिन पूर्व यहाँ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और जो प्रशासन है उसके द्वारा मात्र 1 किलोमीटर की रोड का विकास किया गया, उसके अलावा पूरी हल्द्वानी क्या पूरे उत्तराखंड में गड्ढों का भरमार है। पूरे हल्द्वानी में आप यहाँ देखिए खड़े हैं, आप यहाँ बाएं देख लीजिए, दाएं देख लीजिए, गड्ढों का भरमार है और जगह इसमें रोज दुर्घटनाग्रस्त हो रहे, लोग चोटी ले रहे, लोग गिर रहे हैं। तो आज हमने प्रदर्शन किया और अपना रोज जाहिर किया है कि अति शीघ्र इन मार्गों का निर्माण किया जाए जो शहर के गड्ढे हैं, क्योंकि नई रोड बनाने तो भाजपा की बस की नहीं है। आप कम से कम जो शहर के जो गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरने का काम करिए। गदरपुर में ग्राम चौकीदारों ने AICC सदस्य राजेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पहुंचकर SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उनका कहना है कि ग्राम चौकीदार पुलिस के साथ मिलकर कार्य करते हैं, उन्हें मात्र 2000 मानदेय दिया जाता है, इसे 10000 किया जाना चाहिए। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। मात्र 2000 रुपए प्रति माह में कोई व्यक्ति अपना अपने परिवार का गुजर बसर कैसे कर पाएगा, ये चिंतन करने की बात है। मगर विडंबना ये है कि पुलिस महकमे के साथ जुड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले अपराधों के साथ साथ संदिग्ध लोगों की भी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ग्राम चौकीदारों का भविष्य इन्हीं 2000 रुपए के साथ जुड़ा हुआ है। मात्र 2000 रुपए प्रति माह मानदेय पर काम करने वाले ग्राम चौकीदारों की किसी भी सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। आधुनिक चकाचौंध से दूर ग्राम चौकीदारों के भविष्य के प्रति ना पुलिस को कोई फिक्र है, ना ही राजशाही को, इनकी और नजरें इनायत कर रही है। रामनगर में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश सचिव जयप्रकाश, संजय रावत, ललित मोहन बिष्ट, पीयूष बिष्ट का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने युवाओं को जिम्मेदारी देकर संगठन को मजबूती प्रदान की। संवाददाता कैलाश सोयल की रिपोर्ट।
2022 का विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और प्रदेश संगठन ने अभी अभी हमारे जो गणेश गोदियाल जी अध्यक्ष बने थे उन्होंने कोई नियुक्तियाँ नहीं की थी और उन्होंने 2022 के चुनाव को देखते हुए पूरे प्रदेश में कुछ सचिवों की नियुक्ति की है, प्रदेश के सचिव की नियुक्ति की है, जिसमें रामनगर विधानसभा से हमारे ऊर्जावान जुझारू कर्मठ जिन्होंने हमेशा से ही कांग्रेस की जो है कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, ऐसे हमारे साथियों को प्रदेश सचिव पद पर नियुक्त किया है, जिसमें सभासद 3 बार से लगातार भाई संजय रावत जी हैं, 3 बार से गांधीनगर के ग्राम प्रधान जयप्रकाश जी हैं, भाई पीयूष बीज जी हैं जो पूर्व में ग्राम प्रधान रह चुके हैं, और भाई ललित मोहन बीज जी जिन्होंने NSY और युवा कांग्रेस संगठन को मजबूती दी है और आज उन्हीं के स्वागत कार्यक्रम के लिए हमने यहाँ पे उन लोगों का स्वागत किया। जनता कैबिनेट पार्टी की केंद्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने रामनगर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उनकी पार्टी उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में उभर रही है। वह 20 जनवरी तक विधानसभा की सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। मतलब भाजपा और कांग्रेस का तीसरा विकल्प जो हमारे पास नहीं था वो मैं विकल्प ला चुकी हूँ उत्तराखंड के लिए और अच्छे अच्छे कैंडिडेट 20 जनवरी तक उतारने वाली हूँ। ये तो एक एक दो दो लोग बड़े खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, तो किराए की भीड़ लाके 500 रुपए लाते किराए की भीड़ और नाचते हैं। और आज मैं इनको बता देना चाहती हूँ 70% कांग्रेस के और मैं 70% बीजेपी के, मेरे पे मैं कैंडिडेट की लिस्ट आ चुकी है कम से कम इनके कैंडिडेटों की 70 पर, तो 150 कैंडिडेट मेरे पे है आज में, उसमें से मुझे चयन करना है कि कौन सीट से जीतेगा और एक साथ एक मंच पे सारे कैंडिडेटों के साथ पार्टी अभी 20 तारीख तक लॉन्चिंग करने वाली हूँ और कैंडिडेटों के साथ ये पहली बार होगा 70 दिन पुरानी पार्टी 70 साल पुरानी पार्टी से मुकाबला करेगी और सरकार बना के दिखाएगी। कड़ाके की ठंड के कारण अल्मोड़ा जिला चिकित्सालय में जुकाम व खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर प्रीति पंत ने बताया कि रोगियों का कोविड टेस्ट करने के बाद ही उपचार किया जा रहा है, बच्चों के लिए खास सावधानी बरती जा रही है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा मैं कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है सरकार ने 15 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण दिनांक 3 तारीख से प्रारंभ कर दिया है, तो आप सभी अभिभावकों से और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं से निवेदन है कि अपने बच्चों को जिनका कि बच्चों का टीकाकरण सरकार ने स्कूल में निर्धारित किया है, जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उनका टीकाकरण वहीं किया जाएगा, तो जिस दिन आपको बताया जा रहा है कि स्कूल में टीकाकरण होना है बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें, साथ में उनका ID प्रूफ जैसे कि आधार नंबर और फ़ोन नंबर साथ में दें ताकि उनकी जो टीकाकरण की ऑनलाइन एंट्री होती है वो भी सुचारू रूप से हो पाए। समाज सेवा संगठन के तत्वावधान में जागेश्वर के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर अनुभवी चिकित्सकों द्वारा गरीबों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। संस्था के कमल भट्ट ने बताया कि कोरोना महामारी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।